हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपको कुछ सक्युलेंट की लीफ किस तरह से प्रोपोगेट करते हैं वही दिखाऊंगी। और मुझे कमेंट में किसी ने बोला था कि आप इसकी सेपरेट वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो पहले बना चुकी थी, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ किस तरह से लीफ को प्रोपोगेट करना है। तो लीफ को प्लांट से निकालने के बाद आपको 3 दिन उसको छाया में सुखाना है। ये देखिए, इस कंडीशन में ये हो जाती है, थोड़ा सिकुड़ सी जाती है, एकदम सिकुड़ना भी नहीं है, सिर्फ 2 या 3 दिन रखना है, ज़्यादा दिन नहीं रखना है। तो 3 दिन आप इसको छाया में रखिए, और उसके बाद आप कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर लीजिए और इस तरह से इनको रख दीजिए। ये देखिए, एक एक लीफ को आप कहीं पर भी रख देंगे तो ये धीरे धीरे इनमें रूट्स आती है, पहले इनमें रूटिंग होती है, और उसके बाद धीरे धीरे इसमें न्यू प्लांट बनते जाते हैं। ये देखिए, आप कहीं पर भी रख देंगे इस तरह से, उल्टा रखिए चाहे सीधा रखिए, सीधा ही रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे उल्टा रखते हैं तो भी ये ग्रो हो जाते हैं, जिसको इसको प्लांट जहाँ से भी निकलना होता है वो निकल जाता है। ये देखिए इस तरह से, और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें पानी का स्प्रिंकल कर देंगे स्प्रेयर की हेल्प से। तो बस आपको कुछ नहीं करना होता, बस आपको इतना ही करना होता है, और लगभग 1.5 से 2 महीने में इसमें लीफ में 15-20 दिन में या 1 महीने में इसमें रूटिंग हो जाती है। और उसके बाद ये देखिए, ये मेरी जो लीफ है इनमें देखिए रूटिंग हो चुकी है। ये मैं आपको दिखा दूँ, डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, ये रूटिंग हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये निकल नहीं रहा है, तो रूटिंग हो चुकी है, अभी प्लांट नहीं बना है इसमें। और इनमें देखिए सभी में बेबी प्लांट भी बन चुके हैं। ये देखिए इनमें बेबी प्लांट बन चुके हैं, काफ़ी टाइम से, लगभग 2 महीना हो गया इनको रखे हुए, मुझे लीफ को 1.5-2 महीने हो गए हैं। तो देखिए, किसी में जल्दी ग्रोथ होती है, किसी में और ज़्यादा टाइम लगता है, सब साथ की लीफ है। और देखिए, 3-4 लीफ में इनमें अभी तक बेबी ग्रो नहीं हुआ है, रूट इनमें भी आ गई है, तो थोड़ा सा इनको टाइम लगता है, 2-2.5 महीने का टाइम लग जाता है। विंटर में थोड़ा जल्दी हो जाता है, मैंने बहुत पहले इनको रखा था इसलिए अभी टाइम लग रहा है, अब इनकी ग्रोथ थोड़ा जल्दी होगी, फास्ट होगी। यहाँ पर भी देखिए, इतनी सारी लीफ मैंने रखी हुई है, ये मैंने 3-4 दिन पहले रखी थी, और यहाँ पर भी रखी है, कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में रखी है। और बस जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा इसकी मिट्टी, ये जो कोकोपीट है, सूख रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दीजिए। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, और धीरे से इसमें इस तरह से ग्रोथ शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके इस तरह से आपके प्लांट बन जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कटिंग भी लगाई है अभी बहुत सारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये सारे मेरे सक्युलेंट हैं, आज मैं आपको सक्युलेंट भी दिखाती हूँ अपने। तो ये देखिए, जो मेरा एक बड़ा सा इस तरह के इस प्लांटर में लगा हुआ था, तो सक्युलेंट बहुत ही ब्यूटीफुल और हेल्दी सा हो गया, इतनी ज़्यादा इसमें रूटिंग हुई है, बिल्कुल रूट बाउंड हो गया था ये। तो मैंने इसको एक ये मटकी वाला सेब का, जो मेरे पास ये था, मिट्टी का है ये, बहुत ही हैंडी है। मैं इसको वैसे तो अपने किचन के लिए लेकर आई थी, दही वगैरह जमाने के लिए, लेकिन फिर मैंने इसमें होल बना करके इसको प्लांटर यूज कर लिया। काफ़ी टाइम से खाली रखा हुआ था, तो मैंने आज इसमें यह सक्युलेंट अपना लगा दिया। देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा। और इसमें देखिए, साइड से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो और ज़्यादा घना हो जाएगा प्लांट और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। पूरे गमले को इसने कवर किया हुआ है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, और ग्रोथ भी इसकी काफ़ी अच्छी हुई है ये देखिए, और बिल्कुल इतनी ज़्यादा इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप हुई है कि मुझे बड़ी ही खुशी हुई। इस गमले में ये लगा हुआ था छोटे से, और जो मैं न्यू प्लांट लेकर आई हूँ उसको मैंने इसमें लगा दिया है। इसकी सारी मिट्टी ये कोकोपीट में लगा हुआ था, तो मैंने इसकी सारी जो मिट्टी थी नर्सरी वाली वो सारी हटा करके और इसको रिपोर्ट किया है। तो मिट्टी मैंने क्या बनाई, इसमें एक पार्ट इसमें कोकोपीट है, एक पार्ट सैंड है, थोड़ी सी राइस हस्क है, और बोन मील है, नीम की खली है, और जो पत्ते की खाद, जो पत्तों की खाद मैंने बनाई थी वो है इसमें। बस इतनी चीज़ें मैंने इसमें मिलाई, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलाया है। और आधा चम्मच NPK भी मिलाया है, थोड़ा सा 1 चम्मच माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाया है, बस इतनी ही चीज़ें मैंने इसमें मिलाई हुई है, और 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर भी मिलाया है। तो इस तरह से मैंने ये मिट्टी तैयार की है, और ये जो ये वाला था इसको मैंने रिपोर्ट कर लिया इसी तरह से, बिल्कुल इसके रूट्स को ओपन करके मैंने रिपोर्ट किया है। क्योंकि अगर आप सक्युलेंट नर्सरी से लाते हैं तो उसकी नर्सरी वाली मिट्टी को हटा कर ही अपनी जो तैयार मिट्टी में लगाते हैं तो प्लांट लगाइए। अगर आप उसी तरह से उसको रिपोर्ट कर लेंगे तो जब भी पानी देंगे, जो नर्सरी वाली मिट्टी होती है वो उसके अंदर पानी स्टोर रह जाता है, और आपकी जो हम वेल्डन सॉइल तैयार करते हैं तो वो मिट्टी सूख जाती है साइड से, लेकिन जो बीच में उसकी मिट्टी रहती है वो बिल्कुल गीली रहती है। तो अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाने वाली हूँ, जो मैंने अभी लगभग 25 दिन पहले ही कटिंग लगाई थी, तो इनको भी मैं निकाल के दिखाने वाली हूँ कि इनमें रूटिंग हो गई है या नहीं, इनको भी, क्योंकि मुझे आज रिपोर्ट करना है। तो ये देखिए, लगभग 25 दिन हो गया है इसको लगाए हुए, और देखिए कितनी अच्छी रूटिंग इनमें हो गई है ये देखिए। तो मैंने बिल्कुल सैंड और कोकोपीट के मिक्सचर में लगाया था इसको,
और बहुत ही अच्छे से हेल्दी प्लांट ग्रो हुआ हमारा। ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हो गई है इसमें। तो मैं इनको भी आज रिपोर्ट कर लूँगी सारे ही प्लांट को अपने। तो मैं जब काम करने बैठती हूँ तो एक साथ लगभग मुझे लगता है सारे ही काम अपने निपटा लूँगी, क्योंकि बार बार मिट्टी फैलाना मुझे पसंद नहीं आता फिर। तो ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई है, पूरी रूट रूट ही रूट है जो यहाँ पे दिख रही है आपको। ये देखिए कितने अच्छे से रूटिंग हो गई है ये, इसमें यहाँ से पूरी हुई है और काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट हमारा ग्रो हो रहा। तो अभी तक इसको न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं मिला था, तो मैं अब इसमें रिपोर्ट करने के बाद ये अच्छा न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा तो ये और ज़्यादा हेल्दी ग्रो होंगे। तो देखिए एक प्लांट से मैं आपको इसका मदर प्लांट भी अभी दिखा दूँगी। ये देखिए, और जो ये सिनेसियो की कटिंग है ये भी ग्रो हो गई होगी क्योंकि सारे मैंने एक साथ ही लगाए थे। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, रूट बस डैमेज बस मत हो। एक हाथ से यही प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। अभी भी नहीं निकल रहा है, काफी लंबी सी कटिंग है और रूटिंग भी खूब सारी हो गई इसलिए निकल नहीं रहा था। ये देखिए इतनी ज्यादा रूटिंग हुई है इसमें, काफ़ी ज़्यादा रूटिंग हो गई है, पूरे रूट्स अच्छे से आई हुई है। तो ये देखिए हमारी कटिंग ये ग्रो हो गई। तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं कटिंग से विंटर में ये जो सकुलेंट के प्लांट होते हैं। तो आप इनको ज़रूर अपने गार्डन में कटिंग से, अगर आपके प्लांट ख़राब हो रहे हैं कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कटिंग से इनको लगा करके और न्यू प्लांट तैयार कर सकते हैं। जैसे नीचे से आपका प्लांट ऊपर से मतलब नीचे से ख़राब हो रहा है, रूट्स ख़राब हो गई है, तो आप उनको कटिंग से लगा लीजिए। देखिए कितनी अच्छी रूटिंग हुई इसमें भी हो गई होगी। तो इसको क्योंकि सिर्फ ब्रांच बस थी तो मैंने इसको भी कटिंग से लगा दिया था। देखते हैं इसमें, देखिए न्यू यहाँ से छोटा सा बेबी भी बन गया है। तो ये देखिए इस प्लांट को कट करके मैंने ये वाली कटिंग तैयार की है। तो एक प्लांट हमारा ये तैयार हो गया। इसमें देखिए तीन बेबी प्लांट यहाँ से निकल करके आए हैं, एक दो तीन, तीन ब्रांच में यहाँ पर मैंने एक ब्रांच कट की तो यहाँ से तीन प्लांट निकल करके आए हैं, और यहाँ से मैंने एक ब्रांच कट की तो यहाँ से दो ब्रांच निकल करके आएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए एक ब्रांच इधर से निकली है और दूसरी इधर से निकली है। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये प्लांट तो हमारा बुशी हो ही जाएगा। देखिए कितना सुंदर इसमें ग्रोथ हुई है और दो प्लांट हमारी ये कटिंग से तैयार हो गए, इतने हेल्दी से प्लांट। ये देखिए तो एक प्लांट कम से कम 100 रुपीज़ से कम में तो मिलता नहीं है। तो आप सकुलेंट को इस तरह से प्रोपोगेट करके कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। मतलब एक प्लांट लाते हैं तो एक प्लांट से आप कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो ये दोनों प्लांट मैं एक साथ ही लगाऊंगी इसी प्लांटर में, इस प्लांटर की मिट्टी को चेंज करके मैं इसी में लगाऊंगी। तो मिट्टी तो मैंने आपको बता दी मैंने क्या क्या मिलाया है इस अपनी मिट्टी में, जो मैंने अभी रिपोर्ट किए वाले सारे प्लांट ही रिपोर्ट किए यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पर देखिए मैंने बेबी रबर प्लांट पिप्रोमिया को भी रिपोर्ट किया था, मतलब पत्तियों को लगाया था। तो इनकी पत्तियाँ तो ग्रो हो गई हैं, अभी बस इनमें बेबी नहीं बने हैं। तो मैं ये वाला गमला खाली करके इनको कहीं दूसरी जगह लगा दूँगी। ये देखिए इनमें कितनी अच्छी रूटिंग हो गई है, सभी में रूटिंग हो गई है। तो मैं इनको अलग से थोड़ा फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी में शिफ्ट कर दूँगी। और ये देखिए बहुत अच्छी रूटिंग हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो इनको ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए मैं बस लगा दूँगी ऐसे ही, ताकि इसमें बेबी भी बन जाए धीरे से। और इस गमले में मैं लगाने वाली हूँ अपना ये वाला प्लांट सिनेसियो का। तो यहाँ देखिए होल बने बनाए थे मैंने, छोटी छोटी कील की हेल्प से इनमें होल बनाए थे। और ये मिट्टी के इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स कहें या फिर ग्लास कहें, जो भी कहें, छोटा सा ही है, लगभग 3-2.5 इंच का। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं और ये हमारी मिट्टी है। इसमें मैं थोड़ी सी जो लकड़ियों का कंपोस्ट मैंने बनाया था उसको भी मैं ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखिए इसको हम इस तरह से भरेंगे, और ये मैंने आधा भर दिया इसको, आधा से थोड़ा कम ही भरा है। और प्लांट्स को लेकर के यहाँ पर इस तरह से इसको हम रिपोर्ट कर लेंगे, बस इसके चारों तरफ से मिट्टी डाल देनी है। तो ये देखिए एक प्लांट मैंने रिपोर्ट कर लिया, ये इस तरह के गमले में मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया, मिट्टी का है ये। और काफ़ी सारे प्लांट आज मैंने रिपोर्ट भी किए हैं। तो दूसरा देखिए मैं इसी गमले में लगाने वाली हूँ, ये देखिए। और नीचे मैंने इसको कवर कर दिया, इसके होल को अच्छे से ठीकरी से कवर कर दिया है। और अब हम इसमें मिट्टी डालेंगे, मिट्टी आपकी अच्छी वेल्डन ही होनी चाहिए, इसमें सैंड की मात्रा। और देखिए बजरे भी मैंने मिलाया है, छोटे छोटे जो आपको इस तरह से पार्ट दिखेंगे
बजरी के टुकड़े के हैं, तो बजरी भी मैंने इसमें मिलाया हुआ है। तो ज़्यादा बड़े पार्ट आप चाहे तो हटा सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस तरह से हम इसको, तो ये हमने, ये यहाँ पे मैं दोनों प्लांट लगाने वाली हूँ इसके। अब इतने छोटे छोटे प्लांट के लिए इतने ज़्यादा गमले कहाँ से अरेंज करूँगी, इसलिए मैं दोनों ही प्लांट एक ही में लगाने वाली हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी दिखेंगे दो प्लांट एक साथ लगे हुए। ये देखिए, इस तरह से दोनों प्लांट को मैं एक साथ लगा दूँगी और बस इसको रख करके हम चारों तरफ से इसकी मिट्टी भर देंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने रिपोर्ट कर लिया और इसमें एक छोटा सा प्लांट लगा दिया है, एक लीफ से प्रोपोगेट हुआ था उसको भी मैंने इसी में रख दिया है, एक छोटा बेबी और यहाँ पे बन रहा है ये देखिए। तो इस तरह से हमने रिपोर्ट कर लिए सारे प्लांट और यहाँ पर मैंने कुछ कटिंग अभी लगाई हुई है, तो ये भी धीरे धीरे जल्दी ही ग्रो हो जाएंगे, लगभग 15 दिन में ये भी ग्रो हो जाएंगे, तो मैं इन सबको भी रिपोर्ट कर लूँगी। यहाँ देखिए, मैंने क्रेसुला की भी कटिंग लगाई है और काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट ग्रो हो रहे हैं। तो इस समय आप सकुलेंट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए और एक प्लांट से कई प्लांट आप इनको तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, तो कितने अच्छे लग रहे हैं ये, और जब इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। इनमें रूटिंग बहुत अच्छी हो गई, मैंने आपको दिखा भी दिया। अब पूरे रूट्स को मैंने खोल के नहीं दिखाया एकदम से, क्योंकि बिल्कुल फिर शॉक में आ जाते हैं प्लांट, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने दिखा दी आपको रूटिंग। और जिसके मदर प्लांट है वो भी बहुत अच्छा हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।